ये देखिए गाड़ियों की हालत कैसी फंसी पड़ी है। ये बिल्कुल बिना गिरा पड़े वापस आ गए। यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये तो बड़ा बड़ा कर रहे हैं लोग तबाही का। इसीलिए कहते हैं भैया प्रकृति से खेल नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, है ना भाई जी, मजाक नहीं करना प्रकृति से। जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रॉम मनाली। तो भाई रात में बड़ी ज़बरदस्त ठंड माहौल आप देख ही रहे हैं। बर्फ अब पिघलना चालू हो गई है। अभी उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं, नीचे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा मनाली घूमने। हिडिम्बा टेंपल वगैरह है, ट्रैक व्रैक करने की बस की है नहीं और इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि अपन लोगों को पहुँचना है घर भी। तो ठीक है अभी घूमने निकलते हैं सीधे। हिडिम्बा टेंपल के पास में ही रुके हुए हम लोग। हर जगह बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, हर जगह स्नो है, गाड़ियों को जाने की परमिशन से नहीं है 4x2 को, और सब जगह ऑलमोस्ट पैक नहीं है, इतने टूरिस्ट है। तो बस देखते हैं कि यहाँ से घूम फिर के कहीं निकलते हैं दूसरी जगह। तो आज है 11th of February 2024। हमने अपनी सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है इन सर्च ऑफ स्नोफॉल। स्नोफॉल तो मिली नहीं अभी तक, स्नो जरूर देखने मिल गई है तो ओके है, ठीक है, किसी को कंसीडर कर ले रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देखिए गाड़ियों की हालत कैसी फंसी पड़ी है। ये तो भाई सब बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जा रहे हैं हिडिम्बा टेंपल। इस रास्ते से हमने सोचा गाड़ी को होटल में ही खड़ी रहने देते हैं क्योंकि ये इतने सकरे रास्ते से निकलने के लिए बार बार कौन मेहनत करेगा, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं। देखिए अभी गाड़ी आ गई है साइड में। जी रोड के दोनों साइडों पे बर्फ है, अच्छी खासी बर्फ है। जब स्नोफॉल हुई होगी तो आराम से 6 से 7 फीट बर्फ गिरी होगी यहाँ पे। चलो यहाँ से हिडिम्बा टेंपल चलते हैं। ये देखिए भाई यहाँ से ऊपर स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप ऊपर टेंपल में जा सकते हैं। चारों साइड बर्फ ही बर्फ है। वो अगर गाड़ी आपको दिख रही हो तो उसकी हालत देख लीजिए कैसी हो रही है। बर्फ तो जोरदार गिरी, हम ही थोड़ा लेट हो गए बस आने में। चले बेटा ऊपर। भाई साहब ऊपर तो पहुंच गए, सांस फूल गई है भयंकर, पूरे में आइस है, भयंकर स्लिपरी है। हम तो जैसे तैसे बिना क्लीन मोल्ड हुए हम तो पहुंच गए। गिर जा। अरे गिर भाई, स्लिप हो जा, कंटेंट मिल जाएगा मेरे को। जो वो पानी बन के जम गिरती होगी ना बर्फ, वो जम जाती होगी। तो भाई लोग ये है हिडिम्बा टेंपल, अंदर शायद वीडियो बनाने नहीं देंगे, चल के देख के आते हैं। इसका तो मोए मोए हो गया भाई जी। इससे जूते नहीं पहन रहे ना भाई जी, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए एक बार ला के दिखा ना जूता भाई जी, ला के दिखाओ ना भाई जी। आ गए जूते। चलो भैया दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से बढ़ते हैं
बर्फ से चल के जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, खटाखट स्लिप हुए जा रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ धड़ाधड़ लोग गिरे पड़े हुए हैं, और एक ये भाई साहब आके हमारे पास बैठ गए हैं खुजली करवाने। देखो ये, देखो इनको, उसने आंखें बंद कर ली। हेलो मैम, बताइए आपका भूपिंदर जोगी। भाई जी बढ़िया दर्शन हो गए, बिल्कुल बिना गिरा पड़े वापस आ गए। यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये तो बड़ा बड़ा कर रहे हैं लोग। यहाँ को मैं फोटो भी खिंचा सकते हैं बढ़िया बैठ के, खिंचानी है खिंचा ले। भाई पहुंच रहे हैं हम होटल, ठंड बढ़िया है, हॉट फट चुके हैं। होटल पहुंचते हैं, चेकआउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब गाड़ी में हो गया अपना सामान लोड, कोल्ड स्टार्ट कर दिए, बस अब थोड़ी सी अब गाड़ी साफ कर लें, क्योंकि हम लोग रोड पे कचरा नहीं फेंकते हैं, तो गाड़ी में ही इकट्ठा रख लेते हैं खाली पानी की बॉटल्स वगैरह या फिर कुछ खाने का रहता है तो अब वो खाली कर लें, एक बार गाड़ी साफ कर लें फिर निकलते हैं आगे। चलो जी, चलो भाई जी शुरू करते हैं ना आज का सफर। तो अब आज निकल रहे हैं ना हम ये मनाली हाइट्स होटल से, ये छोटी सी ऑल्टो ना इधर उधर घुसती है यार, कहीं घुस जाती है ये। चलो भाई जी शुरू करते हैं जी सफर। आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? कसौल। आज जाएंगे हम लोग कसौल। चलो निकलते हैं पहले सकरे रास्ते से फटाफट, क्योंकि ज्यादा लेट किया अगर तो ट्रैफिक जैम लगने लगेगा। चलिए जितना भी जल्दी कर लो, ट्रैफिक में फंसी जाते हैं पहाड़ों में। निकल रहे हैं धीरे 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 धीरे, लाइन चल रही है, निकलते हैं ट्राई करते हैं जल्दी निकलने का। तो भाई साहब कितनी कोशिश कर लो लेकिन जाम से तो बच नहीं सकते। आधा घंटा हो गया जाम में खड़े हुए और पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। एक्चुअली रोड के दोनों साइडों पे बर्फ है तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक से, समझ रहे हो? ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली थी कि जहाँ ये माइक निकाला जाए या अच्छा व्लॉग बनाया जाए। बर्फ में पहुँचते ही इतनी हालत ख़राब हो गई थी ट्रैफिक के कारण कि ये याद ही नहीं रहता था। गाड़ी में बैठे बैठे याद आया तो निकाला। बताइएगा साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया है। हाँ जी, तो पूरा 1.5 घंटा जाम में खड़े होने के बाद अब आ पाए हैं मेन रोड पे। शोगी एकदम ऐसा लग रहा है खाली रोड देख के कि बाप रे भैया कितना ही अच्छी चीज हो गई है। अब तो पहुंच रहे भाई जी हम कसौल, जाएंगे रास्ते में रुकेंगे कहीं तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर वहीं पहुंच के मिलते हैं ना भाई जी। ठीक है जी, भाई साहब ये आपको मनाली आएंगे तो 4-5 जगह ये हॉट एयर बलून वाली चीज होती दिखेगी जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये लोग 1000-1500 रुपए कुछ टिकट लेते हैं, तो आपके करना हो तो करना, क्योंकि ये इधर उधर घुमाते नहीं है, ये सिर्फ एक ही जगह बांध के ऊपर तक जाता है और ऊपर से बस नीचे आ जाता है। तो भाई अपने को तो ऐसा कोई शौक नहीं है, बाकी आपको हो तो जरूर करें। चलो अभी जा रहे हैं नेगी भैया के वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जाएंगे घर के लिए, और एप्रिकॉट वगैरह कुछ लेके जाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट नेगी भैया के वहाँ पहुँचते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पीते हैं उनके वहाँ, फिर जाएंगे फ्रूट्स लेने। ओके, लौटते में फिर से नेगी भैया के कैंप में आ गए हैं। यहाँ ये लेमन टी पी के जाना मैंडेटरी है, तो अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो भैया से बोलते हैं फ्रूट्स दिलवाएंगे अच्छे,
फिर बढ़ते हैं आगे। सडन प्लान बन गया जिब्बी जाने का। अब नवीन आपको प्रशांत भाई का नंबर देना। ठीक है, तो भाई साहब घर के लिए फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। एप्पल नेगी भाई से भैया ने शॉप बता दी थी, बहुत ही टेस्टी है ये ग्रीन एप्पल। तो अब उनने ये बताया हमें कि भैया अगर कसौल जाओगे तो सेम वही हालत मिलेगी, वही ट्रैफिक, वही सब कुछ। तो अब प्लान बना है जिब्बी जाने का, जिब्बी जा रहे हैं हम। पहुंचते ही रास्ता अब थोड़ा ठीक ठाक आ गया है, ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया है। चलते हैं, 80 किलोमीटर है यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। गाड़ी का एवरेज ज़रूर कम हो गया है, मनाली में 12 का ही दे रही है अब, इतने ट्रैफिक में खड़े खड़े पूरे एवरेज की ऐसी तैसी हो गई मेरे। चलो पहुँचते हैं अब। तो जी भाई साहब, ये पूरी रोड पूरी बर्बाद हो गई थी इस नदी के चलते, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी। राइट में दिखाना, ये पूरा यहाँ ऊपर तक पूरा पूरा मलबा बड़ा हुआ है, तो समझ लो आप कितनी ही भयंकर बाढ़ होगी। ये पूरा यहाँ से साफ हो गया है, रोड भी पूरी खत्म हो गई थी। ये टेम्प्ररी रोड अभी इनने मिट्टी वगैरह डाल के और बोल्डर्स वगैरह इकट्ठे करके बनाई है, नहीं तो ये पूरी रोड साफ हो गई थी। ना आप उस साइड जा सकते थे, ना आप इस साइड आ सकते थे। देखो तबाही का, इसीलिए कहते हैं भैया प्रकृति से खेल नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, है ना भाई जी, मजाक नहीं करना प्रकृति से। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ पा रहा हो, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये पहाड़ी लोग ऐसे ही हिंदी में बात करते हैं तो बड़ी स्वीट सी लगती है, इसलिए मैंने भी ये वाली लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ लिया, है ना भाई जी, हेलो भाई जी, खाना नहीं खाना, खाना खा लो भाई जी, थोड़ा सा तो रोटी खा लिया करो, ऐसा भूखे नंगे से घूमते रहते हैं। घर जाके खाएंगे, सुबह नाश्ता करते हैं, रात में खाना खाते हैं, बस दो ही मील मिल रही है, इतने गरीब हो गए क्या? तब तो फाइव डोर आएगी, तब फाइव डोर आएगी। तो भाई साहब ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, आई लव माय इंडिया, इधर दिखाओ, इधर हमारी साइड कैमरा करो। ये देखो जी, अभी भी काम चल ही रहा है, अभी बेस तैयार कर रहे हैं रोड डालने के लिए। अरे बहुत ही खतरनाक सीन रहा होगा, बसेस की बसेस बह गई थी उस टाइम पे। तो चलिए जीबी चलते हैं, वहां देखते हैं क्या समस्या है। तो भाई नेगी जी ने अपने को बताया था यहाँ पर रजनी सड्डू कॉर्नर का, जो कि देखने से लग रहा है काफी फेमस है, तो आज लंच में खाया जाएगा सड्डू, लेकिन कोई ऑर्डर लेने के लिए नहीं है। बैठते हैं, समझते हैं। तो भाई सब रजनी सिड्डू कॉर्नर पे तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बैठने की जगह है नहीं, तो मैंने नारिका को बोला कि भाई तू पैक पैक मतलब प्लेट में लेके आ जा, गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। तो अब लेने गई है, आता है फिर दिखाते हैं आपको सिड्डू। ये आ गया है जी सिड्डू, वाह मजे आ गए। तो ये देखो जी, आपको साइड में दिखेगा कि ये पहाड़ पूरा धसका है ऊपर से, तो ये अलग ही वाइट वाइट जो एरिया दिख रहा है और उसके ऊपर वाला एरिया ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये पूरा ये धसकने के कारण इस पे पहाड़ का ऐसा कुछ शेप आ गया है। बढ़िया है, अभी तो मनाली चंडीगढ़ रोड पे ही है, जिब्बी के लिए टर्न लेंगे, 3-4 किलोमीटर का टर्न और बचा हुआ है, फिर पहुंचते हैं जिब्बी, देखते हैं कैसा क्या सीन है वहाँ पे। चलो जी फाइनली आ गए हैं अपन जिब्बी की रोड पे, ये भी ऑलमोस्ट सेम चितकुल जैसी ही रोड है, यहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्लांट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वाला। पहुंच रहे हैं हम यहाँ से अराउंड
15 से 20 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। चलिए पहुंचते हैं फटाफट। भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा है कि देखिए बस वाले की रुक जाओ कह रहे रुक जाओ। अच्छा क्या? पार्क करेंगे वो यहाँ पे। उधर से निकल चलो भैया। गजब हिमाचल के बस वालों का तो कोई मुकाबला नहीं है भैया।